तालिबान ने कहा है कि शियाओं के साथ इस गुट की कोई दुश्मनी नहीं है। तालिबान गुट के सांस्कृत आयोग के सहायक ने बल देकर कहा है कि शियाओं के साथ इस गुट का ना तो कोई विरोध भाषा है ना ही कोई दुश्मनी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस्लामिक इतिहास में सबसे बड़ी कुर्बानी दी है। अहमदुल्ला वसीक ने समाचार एजेंसी तस्नीम के पत्रकार से वार्ता में कहा है कि हमने शियाओं को इस बात की अनुमति दी है कि वे अपने धार्मिक कार्यक्रम को निश्चित होकर आयोजित करें, क्योंकि वे भी अफगानी हैं और अपने धार्मिक कार्यक्रमों को आज़ादी के साथ आयोजित कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले वर्ष भी अफगानिस्तान में मुहर्रम के कार्यक्रम होते थे और तालिबान इस वर्ष भी मुहर्रम के कार्यक्रम की सुरक्षा की आपूर्ति का पूरा प्रयास कर रहा है। तालिबान के इस वरिष्ठ सदस्य ने बल देकर कहा है कि ये गुट समस्त धर्मों का सम्मान करता है और हमारे सुन्नी और शिया धर्म के मध्य बहुत अधिक समानताएँ हैं जिसे हम मानते और जानते हैं। इससे पहले तालिबान गुट के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा था कि यद्यपि अभी अफगानिस्तान की सुरक्षा स्थिति सामान्य नहीं है, परंतु तालिबान मुहर्रम की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाए जाने की अपनी जिम्मेदारी समझता है। बता दें कि अभी कल ही सामाजिक और धार्मिक मामलों के एक विशेषज्ञ हुसैनी नादरी ने भी कहा था कि सौभाग्य से तालिबान मुहर्रम के कार्यक्रम से कोई सामान्य नहीं है और अब तक शियाओं से तालिबान का व्यवहार उचित था। उन्होंने कहा कि समय के तालिबान और 20 साल पहले के तालिबान में अंतर है और इस नतीजे पर पहुंचा है कि अपने शिया भाइयों को अपने साथ रखें और जहां तक मुझे सूचना है कि शिया भी तालिबान के बर्ताव से राजी हैं। उन्होंने बल देकर कहा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम केवल शियाओं के नहीं बल्कि पैगंबर इस्लाम के नाती हैं और उनका संबंध समस्त मुसलमानों से है और मानवता उनके आंदोलन से जीवनदायक पाठ ले सकती है। इसी प्रकार अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाली समाचारों में कहा गया है कि मजार शरीफ में 7 मुहर्रम के उपलक्ष्य में सड़कों पर अलम लगाए गए और तालिबान ने किसी प्रकार का बाधा व समस्या उत्पन्न नहीं की। इस प्रकार हेरात के शिया ने किसी प्रकार की समस्या के बिना शुक्रवार को नमाज अदा की। अभी हाल ही में तालिबान ने कहा था कि अगर हेरात के शिया मुहर्रम के कार्यक्रम की सुरक्षा नहीं करते तो उसकी सुरक्षा हम करने को तैयार हैं। रोचक बात यह है कि मुहर्रम के कार्यक्रम में हर रात को इमाम बारगाह और मस्जिद से लाउडस्पीकर का प्रयोग हो रहा है और तालिबान ने अब तक इन कार्यक्रम की सीमित करने के लिए संबंध में किसी प्रकार का कदम नहीं उठाया है।